पहले 19,000 क्या कर रहा हूँ यहां से निकाल रहा हूं आप टेन पे भी कर सकते हैं फाइव थाउजेंड पे भी कर सकते हैं आपकी जितनी मर्जी ठीक है मैं फिलहाल नाइनटीन थाउजंड यहां से निकाल रहा हूं देख रहे ना सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सो फ्रेंड्स मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल फ्रेंड्स आज मैं एक न्यू एक्सपेरिमेंट फिजिक्स का लेके वापस से आपके सामने प्रेजेंट हो गया हूं दैट इज आपका ट्वेल्थ का फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है टू डिटरमाइन द करेंट सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैनोमीटर ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर सेवन है और ये बहुत ही ईजी एक्सपेरिमेंट है फ्रेंड्स इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको सर्किट डायग्राम बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करनी होती है बोर्ड एग्जाम में क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट तभी स्टार्ट कर पाओगे बोर्ड एग्जाम में जब आपको सर्किट डायग्राम आता होगा तो आप सर्किट डायग्राम मैं जिस तरीके से बताऊंगा वैसे आपको याद करना है ठीक है चलो मैं एक्सपेरिमेंट आपको फटाफट स्टार्ट कर देता हूँ लेकिन फ्रेंड्स आप मेरे लिए जरूर एक काम कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट दीजिए ताकि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ बना सकूँ ठीक है सो चलो मैं ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूँ आप इस वीडियो को जरा भी मतलब स्किप मत कीजिए अदरवाइज़ आप ये मिस कर जाएंगे कि कौन सा वायर कहाँ पे कनेक्ट होता है तो so, चलो मैं एक्सपेरिमेंट नंबर सेवन आपके लिए करके दिखाता हूँ ये फिजिक्स का बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है और बहुत ही ईजी एक्सपेरिमेंट है सो so फ्रेंड्स अभी मैं आपका एक्सपेरिमेंट नंबर सेवन स्टार्ट किया था दैट इज करंट सेंसिटिविटी यहां पे क्या करना है टू डिटरमाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैलोमीटर करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला तो क्या ठीटा बाई आई जी तो आपका बेसिकली डिफ्लेक्शन इन गैलोनोमीटर और आई जी आपका क्या है करंट थ्रू द गैलोनोमीटर ठीक है एक बैटरी लगेगी एक की लगेगी एक रेजिस्टेंस बॉक्स माइक्रोमीटर लगेगा गैलोनोमीटर लगेगा आपको करना क्या है आपको की को कनेक्ट करना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा किससे रेजिस्टेंस बॉक्स से स बॉक्स कनेक्ट होगा माइक्रोमीटर के के पॉजिटिव टर्मिनल से और मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल्स रहेगा वो गैलोमीटर का कनेक्ट होगा और मीटर का जो दूसरा पार्ट रहेगा वो किसको कनेक्ट रहेगा की को एक चीज़ आपको याद रखना है फ्रेंड्स आपको जब तक सर्किट डायग्राम बनाने नहीं आ रहा है आप अपने आ, मतलब सर्किट वगैरह जोड़ के चालू मत कीजिए अदरवाइज वो शॉर्ट कर जाएगा और आपको कॉलेजेस में प्रॉब्लम हो सकते हैं ठीक है सो आप पहले सर्किट डायग्राम बनाइए फिर अपने प्रोफेसर को चेक कराइए फिर ही स्टार्ट कीजिए ठीक है ये मेरा आपको बहुत ही अच्छा मतलब एक संदेश मान लीजिए क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी सो so फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें सो so चलो मैं आपको एक्सपेरिमेंट कैसे करना है वो करके दिखाता हूँ और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स मैं इस पर सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल अपलोड कर चुका हूँ आप जाइए उसको चेकआउट कीजिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी जरूर शेयर कीजिए ठीक एक्सपेरिमेंट नंबर सेवन सेंसिटिविटी ऑफ करंट सेंसिटिविटी नाउ फ्रेंड्स एक चीज़ आपको बता दो कि विदाउट सर्किट डायग्राम आपको सर्किट जोड़ने की जरा भी परमिशन नहीं होती है तो so, मैं बता देता हूँ ये की है की कनेक्ट हो रही है बैटरी को इसको बैटरी बोलते हैं क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इसको बैटरी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट हो रहा है रजिस्टर्स को ठीक है रजिस्टर्स को कनेक्ट हो रहा है और रजिस्टर किसको कनेक्ट हो रहा है माइक्रोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से ठीक है उसके बाद ये जो बैटरी है की को कनेक्ट हो रही है और की यहाँ पे कनेक्ट होते तुम्हारे एक फोर वे की होता है लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हमें फोर वे की की जरूरत ही नहीं है तो मैं एक आपको बहुत सिंपल और शॉर्टकट कट ट्रिंक बताऊँगा जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं ये इजिली कर सकते हैं ठीक है सो तो बस आप इतना याद रखिए कि की को कनेक्ट होगा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रजिस्टर को कनेक्ट होगा ठीक है इससे माइक्रोमीटर कनेक्ट होगा और ये तो ये ये बेसिकली आपको सेम ऐसी कनेक्शन में आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ ठीक है आप देखते रहिए बस ये कनेक्शन कि ये आपका बैटरी है ये आपका क्या है बैटरी और ये आपका क्या किसी आपका क्या है की है और ये आपकी क्या है बैटरी है तो आपको क्या करना है आप डायग्राम में देख रहे होगे ठीक तो है आप डायग्राम में क्या देख रहे होगे कि जो की है की का जो ये वाला टर्मिनल है ये किससे कनेक्टेड रहेगा रहे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ये रेड वाला पॉजिटिव होता है और ब्लैक वाला होता? फटा -फटा क्या होता है नेगेटिव सो मैं फटाफट क्या करूंगा जो इधर वाला मतलब आप देख रही ये वाला जो हिस्सा है ये कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल को ठीक है और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किसको कनेक्ट होगा रियस्ट्रोड को किसको कनेक्ट होगा रियोस्ट्रोड को ठीक है तो चलो मैं कनेक्शन स्टार्ट करता हूँ ठीक है तो ये मैं की को की को फाइनली किससे पहले एक वायर से कनेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे ये कनेक्ट होगा आपके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के ये ये आपका बैटरी है और ये बैटरी के किससे कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल से ठीक है फ्रेंड्स आपको ये बहुत ही अच्छे से करना है कनेक्शन विदाउट कनेक्शन आपको ग्राफ और आपको कुछ भी करने की अनुमति नहीं होती एग्जाम में आप कोई भी नहीं चीज़ स्टार्ट कर सकते अब अब जो बैटरी का जो बैटरी का जो पॉजिटिव है देखिए बैटरी का जो पॉजिटिव है वो किसको कनेक्ट है वो रिहर्स रोड को कनेक्ट है ठीक है तो हम इसको सॉरी ये रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट है तो हम इसको क्या करेंगे देखो ये बैटरी का पॉजिटिव है ठीक है सो ये रहा बैटरी का पॉजिटिव और मैं इसको किससे कनेक्ट कर दूंगा बैटरी का जो पॉजिटिव है ये मैं किससे कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे रिहर्स रोड के रेजिस्टेंस बॉक्स को ठीक है आपको ये बिल्कुल आराम से और ध्यान से करना है ताकि आप इसमें गलतियाँ ना करें ठीक है कनेक्शन में जरा भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए फ्रेंड नहीं तो पूरा आपका कैलकुलेशन टाल, ग्राफ सब कुछ गलत हो जाएगा एग्जाम में तो विदाउट मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ विदाउट इसके तो आप प्रैक्टिकल स्टार्ट ही नहीं कर सकते सो तो मैं आपको पूरा करके दिखाने वाला है यहाँ पे और आप एक आप बस एक ही काम कीजिए फ्रेंड्स पर मुझे सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ठीक है और आप ये कनेक्शन देखते रहिए ठीक है अब आपको क्या करना है आपका जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वो किसको कनेक्ट रहेगा? माइक्रोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से रजिस्टर का, so, आए... so so, का जो फिफ्टी है ठीक है तो एक डिजिट इसके कितने की है मीटर से इसमें जो जीरो रहे जीरो के बाद जो एक डिजिट होती, ये 5 की होती है कितने की होती है तो जीरो के बाद फाइव फिट टेन फिर फिफ्टीन फिर ट्वेंटी फिर ऐसे करके आ जाता है फिफ्टी फिर फिफ्टी के बाद जो छोटा वाला डिजिट आप देखोगे ना तो वो ट्वेंटी फाइव का रहेगा सॉरी एक छोटा वाला जो डिजिट मतलब ज़ीरो के बाद जो पहली लाइन है ना आप अगर मिलीमीटर आपके पास रहेगा तो आप ये देख पाएंगे ये जो पहली लाइन होती है ज़ीरो के बाद जस्ट जो पहली लाइन होती है वो हमारे फाइव की होती है तो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ऐसे करके चलता है तो फिफ्टीन और हमारे पास ये टू फिफ्टी तक है कितने का हमारा ये टू फिफ्टी ठीक है स्टोट का देख रहे हैं आप यहाँ पे ये जो रिहर्स रोड का जो दूसरा वाला इंड है ये कनेक्ट होगा कनेक्ट होगा माइक्रोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से किससे कनेक्ट होगा ये होगा माइक्रोमीटर के, के? पॉजिटिव टर्मिनल से. ये जो इसका आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कनेक्शन है अभी मैं इसको कनेक्ट करूंगा किससे इसको मैं कनेक्ट करूंगा यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से तो आप ये देख रहे हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है नेगेटिव ये पॉजिटिव रेड वाला और ब्लू वाला क्या है नेगेटिव तो आपको किससे कनेक्ट करना है इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना है ठीक है नेक्स्ट फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि जो माइक्रोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट रहेगा जो माइक्रोमीटर का टर्मिनल से वो किससे कनेक्ट रहेगा तो वो हमारा कनेक्ट रहेगा एक फोर वे की से लेकिन हमें फोर वे की की जरूरत है क्योंकि हमें दोनों साइड नहीं पता करना है ठीक है ठीक है पार्लर और ये सब हमें, हमें नहीं पता करना तो हम ना डायरेक्ट माइक्रोमीटर को, को गैलोनो से कनेक्ट करेंगे तो आप ये देखिए आपके भी कॉलेज में ए सी कराया जाएगा ठीक है तो मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ इसकी ना फोर वे की हमें जरूरत नहीं है ठीक है तो मैं डायरेक्टली कनेक्शन बताता हूँ यहाँ पे सो so, इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा गैलवनोमीटर के पॉजिटिव पार्ट से इसके पॉजिटिव पार्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद जो गैलवनोमीटर का पार्ट है फ्रेंड्स ये कनेक्ट हो जाएगा आपके की से जो गैलवनोमीटर का पार्ट है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा आपके की से कनेक्ट हो जाएगा सो so, आप ये गैलोनो गैलोमीटर का नेगेटिव पार्ट देख रहे हैं, तो मैं इसको किससे कनेक्ट कर दूंगा फ्रेंड्स? इस की से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है <गण> तो फ्रेंड्स आपको मैं फटाफट बता देता हूँ ठीक है आप ये देख सकते हैं, ये की है की आपका कनेक्ट होगा किससे नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी ये आपका की है की कनेक्ट हो रहा है किससे आप देखिए नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी

अब आपको ये डायग्राम बिल्कुल अच्छे ऐसे करना एग्जाम में देखो स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ और आप भी वही गलतियाँ करोगे आप ना इसको हल्का हल्का ना ऐसा खींच के ऐसा चेक कर लीजिए कहीं ये छूट तो नहीं रहा है नहीं तो अगर अगर ये कहीं लूज रहेगा ना तो करंट फ्लो नहीं होगा और प्रॉब्लम आएगा आप में दूसरी चीज़ सर्किट शुरू करने के पहले आपको क्या करना रहता है कभी भी रेजिस्टेंस को ना पूरा मतलब जैसे कि पूरा ये की भर के मत रखो यहाँ पे अदरवाइज वो शॉर्ट हो सकता है तो लगभग आप कोई भी एक ना यहाँ से इम्पली छोड़िए ठीक है तब आप इस इसको ऑन कीजिए और अगर आपको कभी भी सर्किट ऑन करना रहा है तो आप अपने जो कॉलेज में प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं फिजिक्स को उसको पहले दिखाइए फिर सर्किट ऑन कीजिए ठीक है की भी निकाल के रख सकते हैं ठीक है ये करंट सप्लाई को क्या कर देता है रोक देता है अगर आप इसको निकालेंगे तो ठीक है मैं यहाँ पे दो वोल्टेज का ये हमें प्रोवाइड कर रहा हूँ ठीक है आप देख रहे हैं ये दो वोल्टेज का ये बैटरी में दिख रहा होगा आपको ये दो वोल्टेज का क्या हो रहा है ई एम एफ यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है सो so, चलो मैं फटाफट सर्किट ऑन करता हूँ और देखता हूँ कि न, मतलब फटाफट रीडिंग आपको निकालना दिखाता हूँ ठीक है तो पहले मैं यहाँ पे सर्किट ऑन करूँगा ठीक है और इसको क्या करूँगा ये बैटरी है स्विच है इस स्विच को क्या करूंगा यहाँ से ऑन करूँगा ठीक है

ठीक है वन सेवेंटी फाइव के बाद ये क्या है ये वन एटी है क्योंकि आपको मैंने बताया कि इसमें एक डिजिट कितनी की होती है फाइव की होती है जैसे वन फिफ्टी है ना तो वन फिफ्टी के बाद जो पहली वाली डिजिट होगी ना वो फाइव की होगी फाइव टेन ऐसे ऐसे ठीक है अब तो अभी मैंने गैलोनोमीटर फिलहाल यहाँ पे चेंज किया है क्योंकि देखो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके कॉलेज में बहुत सारे अग, अगर आप लगाओगे ना तो कहीं, कहीं माइक्रोमीटर में रहे कहीं गैल्वेनोमीटर में प्रॉब्लम रहेगा तो आप ये एक बार चेकआउट कीजिए जैसे कि मैंने चेक किया तो मेरा गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा खराब था तो मैंने गैल्वेनोमीटर यहाँ पे क्या किया, चेंज किया तो चलो मैं आपको पहले एक्सपेरिमेंट फटाफट बता देता हूँ मैं करने वाला क्या हूँ यहाँ पे पहली रीडिंग लूंगा ठीक है मैंने लाइट ऑन कर दिया ठीक है सो पहली रीडिंग मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस में फ्रेंड लेने वाला हूँ आपको ये नंबर्स दिख रहे होंगे ये 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 है दैट इज ये और ये हो जाएगा मतलब तो मैं 19 क्या कर रहा हूं? यहां से रहा से निकाल आप टेन पे भी कर सकते हैं, हैं. पे भी कर सकते आपकी जितनी मर्जी ठीक है मैं फिलहाल यहां से निकाल रहा हूँ सो so, मैंने जब यहाँ पे तीनों को रिमूव किया तो मुझे के जो पे जो मिल, रही कितना मिल रही है वन है और यहाँ पे कितना मिल रहा है देखो यहाँ पे ना दोनों साइड होता है जीरो से थर्टी इधर भी होता है जीरो से थर्टी यहाँ पे भी होता है सो so, फिलहाल मुझे यहाँ पे जो मिल वैल्यू मिल, मिल रही है वो कितनी मिल रही है सिक्स मिल रही है कितनी तो मिल रही है सिक्स तो पहले मुझे नाइनटीन थाउजेंड पर जो मेरी वैल्यू मिल रही है एक मिल रही है माइक्रोमीटर मतलब करंट जो मेजर कर रहे हो कितना मिल रहा है वन जीरो फाइव और जो डिफ्लेक्शन ऑफ गैलवानो मेजर कर है, रहे हैं देख रहे हैं ये कहाँ पे सिक्स पे कहाँ पे मिल रहा है सिक्स पे ठीक है क्योंकि गैलवानो में जो छोटी वाली एक लाइन होती है ना वो कितने को डिफरेंट पता है वो वन की होती है तो वन टू थ्री फोर फाइव और ए सी टेन ठीक है और यहाँ पे जो एक लाइन होती है वो कितने की होती है पाँच की होती है कितने की होती है पाँच की होती है ठीक है फाइव की होती है चलो अब मैं निकालूंगा सेवनटीन के लिए तो ये टेन थाउजेंड हो गया ये फिफ्टीन ये सिक्सटीन सेवनटीन मतलब ये इसको क्या करना रहेगा नाइनटीन वाले को क्रोस अब ये फिफ्टीन सॉरी सेवनटीन थाउजेंड के लिए कितने के लिए सेवनटीन थाउजेंड के तो सेवेंटीन थाउजेंड के लिए मुझे यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है कितनी मिल रही है पाँच दस पंद्रह सो तो ये मिल रहा है वन वन फाइव तो आज दस वन वन फाइव और गैलवन में जो मुझे डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है वो बेसिकली यहाँ पे सेवन कितना है यहाँ पे सेवन अब नेक्स्ट देखेंगे फिफ्टीन थाउजेंड के लिए तो ये टेन और ये फाइव फिफ्टीन तो इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा यहाँ पे ठीक है सो यहाँ पे कितना आ जा रहा है यहाँ पे मुझे मिल रहा है कितना वन ट वन थर्टी कितना मिल रहा है वन थर्टी और गैलवन में जो हमें डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिल रहा है वो कितना मिल रहा है फ्रेंड्स आप इसको नज़दीक से अपने कॉलेजेस में ज़रूर देखिए ये मुझे मिल रहा है एट कितना मिल रहा है ये मुझे ट नेक्स्ट लास्ट के लिए करेंगे टेन थाउजेंड के लिए ठीक है क्योंकि हमारे चार ही रीडिंग्स निकालने हैं हमको तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो फिलहाल ये टेन थाउजेंड के लिए तो टेन थाउजेंड के लिए हमें यहाँ पे जो मिल रहा है देखने के लिए वो कितना मिल रहा है वन नाइन्टी वन नाइन्टी फाइव कितना मिल रहा है मुझे वन नाइन्टी फाइव और जो गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे ट्वेल्व कितना मिल रहा है टूवेल्व तो ये मेरी रीडिंग आ गई और भी बहुत ही ईजी होता है कैलकुलेट करना इसको ठीक है ये बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है तो so, चलो मैं आपको कैसे कैलकुलेशन कैसे ग्राफ करती है आपको बता देता हूँ लेकिन फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है इस पर इलेवन ट्वेल्थ के सारे प्रैक्टिकल्स प्रेजेंट है आप जाइए इसको चेकआउट कीजिए आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे ठीक so, है तो चलो मैं आपको ग्राफ और कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ ठीक है फ्रेंड्स रेजिस्टेंस ऑफ द दैलोर दैट इज 100 ओम और मैंने आपको ईएमएफ ऑफ द सेल दिखाया था ठीक है जो कि हमारे कितना था 2 वोल्ट पे था आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे चार रेजिस्टेंस लिए थे 19,000, 17,000, 15,000 और 10,000 ठीक है so, सो उसके लिए मेरी जो आई की वैल्यू आ रही थी मतलब करंट की जो वैल्यू आ रही थी एमपेयर में सो दैट इज़ वन जीरो फाइव आ रहा था पहले के लिए और दूसरे के लिए वन वन फाइव आ रहा था तीसरे के लिए वन थर्टी और चौथे के लिए वन नाइन्टी फाइव और डिफ्लेक्शन कितना सो रहा था वहाँ पे गैलो में डिफ्लेक्शन तो पहले के लिए सिक्स सो हो रहा था दूसरे के लिए सेवन तीसरे के लिए एट और फोर्थ के लिए ट्वेल्व ठीक है अब इसमें आपको करना क्या है कि आपको ना इसको खाली एम्पियर में कन्वर्ट करना है सो so, म्यू से खाली एम्पियर में कन्वर्ट करने के मतलब तो ये म्यू हटाने के लिए आपको ना इसको टेन रिज टू माइनस सिक्स से क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो वन जीरो फाइव इंटू टेन रिज टू माइनस सिक्स वन वन फाइव इंटू टेन टू माइनस सिक्स वन थर्टी इंटू टेन टू माइनस सिक्स वन नाइन्टी फाइव इंटू टेन टू माइनस सिक्स करंट सेंसिटिविटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे एस अपॉन डी थीटा बाई आई जी ठीक है डी थीटा बाई आई जी सो सॉरी थीटा बाई आई जी तो टीटा क्या है आपका डिफ्लेक्शन इन द गैलोनोमीटर अपॉन आई जी आपके है इन एम्पियर ठीक है सो आपको इसको डिवाइड करना है ठीक है तो मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखाता हूँ कैसे डिवाइड करोगे आप तो आपको क्या करना है टीटा बाई आई जी तो आपकी टीटा की वैल्यू सिक्स है और आई जी की वैल्यू कितनी है वन जीरो फाइव तो दैट इज आपको मिल जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेवन वन इंटू टेन बिज टू ये ऊपर जाएगा तो सिक्स हो जाएगा ठीक है वैसे आपको सबके लिए करना है सेवन डिवाइडेड बाय वन वन फाइव सेवन डिवाइडेड बाय वन वन फाइव और ये भी इंटू टेन रेज टू सिक्स भी है मतलब देखिए सेवन डिवाइडेड बाय वन वन फाइव इंटू टेन रेज टू अगर आप सिक्स करते हो तो एट टेन टू सिक्स ऊपर जाएगा तो टेन रेज टू माइनस सिक्स है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस सिक्स ठीक है तो ये जाएगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स जीरो एट सिक्स इंटू टेन टू क्या हो जाएगा सिक्स उसके बाद क्या है एट डिवाइडेड बाई वन थर्टी क्या है एट डिवाइडेड बाई वन थर्टी तो आपको मिल जाएगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स वन फाइव इंटू टेन टू सिक्स उसके बाद क्या है ट्वेल्व डिवाइडेड बाय वन नाइन्टी फाइव तो आपको कितना मिल जाएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन सिक्स फाइव इंटू टेन टू टेन रेज टू आपको मिल जाएगा सिक्स अब आपको मेन निकालना है मेन मतलब आपको सबको ऐड करके क्या करना है फोर से डिवाइड करना है तो मैं सारी चीजों को सारी वैल्यू को मतलब एक दो तीन चार चार वैल्यू है ना तो चारों वैल्यू को ऐड करके क्या करूंगा फोर से डिवाइड कर दूंगा मिल जाएगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स जीरो टू टू इंटू टेन रेस्टू सिक्स अब मैं यहाँ पे टेन रेस्टू जो आप सिक्स दे, 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 देख रहे हैं मतलब इसको मैं दो डिजिट इधर कर दूंगा ठीक है आपको पता होगा अगर ये टेन टू सिक्स में है तो अगर मैं इसको दो डिजिट इधर कर ये पॉइंट को दो दो डिजिट इधर कर दो तो टेन रेज टू फोर हो जाएगा तो मैं इसको क्या करूँगा सिक्स पॉइंट ठीक है सिक्स पॉइंट ज़ीरो टू टू इंटू टेन रेज टू फोर में लिख दूंगा ठीक है क्योंकि ये पॉइंट वन पॉइंट के बाद जो डेसीमल है वो काफ़ी परफेक्ट होता है ठीक है कैलकुलेशन करने के लिए सो अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ अब मैं आपको एक ग्राफ यहाँ पे क्या बोला है कि करंट सेंसिटिविटी बाय कैलकुलेशन से मुझे कितना मिला दैट इज़ 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेज टू फोर अब भाई ग्राफ से आपको प्लॉट करना है तो आपको पहले ग्राफ किसके किसके अगेंस्ट प्लॉट करना है को ठीटा के आप जी आपका डिफ्लेक्शन इन वर्सेस आपका क्या है करेंट इन आमपियर तो इसके इसके अगेंस्ट आपको क्या करना है ग्राफ प्लॉट करना है तो चलो मैं फटाफट आपको ग्राफ भी प्लॉट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे पहले मैं एक एक्स वाई एक्सेस के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करता हूँ अब मैं यहाँ पे स्केल लूंगा मैं यहाँ पे बेसिकली एक्स स्केल लूंगा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस यहाँ पे लूंगा वन सेंटीमीटर इज इक्स ट्वेंटी एम्पियर और ऑन वाई एक्सेस में लूंगा वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन डिवीज़न। ठीक है तो मैं यहाँ पे लूंगा देख रहे हैं यहाँ पे लूंगा मैं ट्वेंटी फोर्टी ठीक है सिक्सटी एट्टी ये हंड्रेड वन ट्वेंटी वन सिक्सटी वन सिक्सटी वन एट्टी टू हंड्रेड ठीक है क्या रहेगा यहाँ पे टू हंड्रेड ये क्या हो जाएगा टू हंड्रेड ट्वेंटी और ऑन वाई एक्सेस में मुझे थीटा लेना है ठीक है दैट इज़ डिफ्लेक्शन इन गैलोनोमीटर और ऑन एक्स एक्सेस मुझे करंट लेना है दैट इज़ आई ठीक है तो इन एम्पियर में ठीक है सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा वन सेंटीमीटर इज्क्स टू वन डिवीज़न मैंने लिखा है यहाँ पे तो वन सेंटीमीटर इज्कव टू वन डिवीज़न तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन ठीक है अब पहला आपको क्या देखना है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आपको स्केल लेना है वन सेंटीमीटर इज्क्स टू ट्वेंटी इंटू टेन रेस टू माइनस सिक्स ठीक है ट्वेंटी इंटू टेन रेस टू क्या लोगे माइनस सिक्स ठीक है अब फ्रेंड्स यहाँ पे आई की वैल्यू आपको क्या रखनी है यहाँ पे सो so, आई की वैल्यू क्या है वन जीरो फाइव इंटू टेन एस टू माइनस सिक्स और आपकी थीटा की वैल्यू कितनी है सिक्स तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा वन टेन और ये हो जाएगा सॉरी वन ये हंड्रेड हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा वन टेन तो ये मतलब हो जाएगा वन जीरो फ़ाइव वन जीरो फ़ाइव के लिए आपको कितना देखना है वन जीरो फ़ाइव के लिए आपको सिक्स देखना है तो वन जीरो फ़ाइव के लिए मेरा क्या हो गया सिक्स ठीक है अब वन वन फाइव के लिए आपको सेवन देखना है तो ये हो जाएगा वन वन फाइव ये हो जाएगा वन वन फाइव वन वन फाइव के लिए कितना देखना है सेवन नेक्स्ट है वन थर्टी के लिए एट देखना है सो वन थर्टी के लिए मुझे कितना देखना है एट देखना है ठीक है और वन नाइन्टी फाइव के लिए ट्वेल्व देखना है तो ये हो जाएगा एट्टी ये नाइन्टी और ये वन नाइन्टी फाइव के लिए मैं कितना देखूँगा यहाँ पर ट्वेल्व ठीक है क्या हो गया यहाँ पर ट्वेल्व ठीक है अब मैं इसको बिल्कुल ओरिजिन से पास करता हूँ यहाँ पर ठीक है बिल्कुल ओरिजिन से यहाँ पर इसको पास करूँगा ठीक है तो ये मैंने यहाँ पे इसको पास कर दिया ठीक है अब ये तो ग्राफ हमारा बन के रेडी हो गया लेकिन हमें यहाँ पे क्या लेना है हमें यहाँ पे एक स्लोप निकालना है इसके लिए हम कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे ठीक है सो जैसे कि मैं ये दोनों पॉइंट्स ले रहा हूँ ये पॉइंट्स और ये वाली पॉइंट्स ठीक है एक ये पॉइंट्स ले रहा हूँ आप कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं एक ये वाली पॉइंट्स ले रहा हूँ मैं और एक ये वाला पॉइंट्स ले रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू uh, है वो कैसी uh, कैसे दी हुई है दैट इज़ ये हमारा हो जाएगा आ, ये हो जाएगा 195 नाइन्टी फाइव इंटू टेन रेज टू माइनस सिक्स और जो दूसरा इसके साथ है वो कितना है ट्वेल्व और ये हमारा कितना है ये बेसिकली है हमारा वन सॉरी वन वन फाइव इंटू टेन रेज टू माइनस सिक्स और जो वाई uh, एक्सेस पे है वो कितना है सेवन है ठीक है तो ये आपका हो जाएगा X1, Y1 ये हो जाएगा X2, Y2, Y2 टू वाई माइनस वाई वन यह आपका हो जाएगा X1, Y1 ये हो जाएगा X2, Y2 अब आपको फॉर्मूला लगाना है स्लोप का Y2 टू माइनस वाई वन इजिकल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन तो Y2 आपका कितना है 12 माइनस वाई वन कितना है 7 X2 आपका कितना है X2 आपका है 195 माइनस वाई वन सॉरी एक्स वन कितना है वन थर्टी फाइव माइनस सिक्स में सॉरी ये वन वन फाइव है कितना है ये वन वन फाइव इंटू टेन रिज टू सिक्स अब आपको ये इजीली माइनस कर सकते हो आप कि आपका चार आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा एटी इंटू टेन रिज टू माइनस सिक्स अब ये फोर डिवाइडेड बाय एटी करोगे तो आपको मिल जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो इंटू टेन रेस टू माइनस इंटू टेन रेस टू ये माइनस सिक्स है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा सिक्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये सिक्स ठीक है so, सो आप इसको चाहो तो फोर के भी टर्म में लिख सकते हो कैसे लिखोगे आपको दो डिजिट इधर लेके जाना रहेगा ठीक है दो डिजिट कहाँ लेके जाना रहेगा इधर तो आपको ये मिल जाएगा लगभग फाइव पॉइंट जीरो इंटू टेन रेस टू फोर अभी आपको देखना है कि बाई ग्राफ से आपको कितनी वैल्यू मिली तो मैंने यहाँ पे यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि बाई ग्राफ से मुझे मिली फाइव पॉइंट जीरो इंटू टेन रेस टू फोर तो मुझे यहाँ पे मिल गया ग्राफ से फाइव पॉइंट जीरो इंटू टेन रेस टू क्या मिल गया यहाँ पे फोर तो ये वैल्यू लगभग सेम रहती है ये वैल्यू लगभग क्या रहती है सेम रहती है ठीक है सो तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं आपका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं यहाँ पे और ये मेरी रीडिंग्स है ये आप मेरी रीडिंग्स देख सकते हैं आप इस रीडिंग्स का भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स सो so फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें okay. सो so फ्रेंड्स आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे ठीक है अगर आपको ऐसे ही वीडियो अगर ऐसे फिजिक्स से रिलेटेड आपको एक्सपेरिमेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रखें मैं एग्जाम में भी आपकी बहुत सारी हेल्प करूंगा ठीक है और इस पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के केमिस्ट्री लग, के लगभग सारे एक्सपेरिमेंट अपलोडेड है आप जाइए उसको चेकआउट कीजिए और आपको जितनी हेल्प मिल रही है उससे लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी जरूर शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ए टू जेड प्रैक्टिकल थैंक यू